सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या था, नंबर सिस्टम को बताया था, उसे रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं उसको बताया गया था विद एग्जांपल। आज हम नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंस वो कराए जाएंगे। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। कह रहा है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तीन क्रमिक पूर्णांक है जो जिनका योगफल दे रखा है हमें कितना 1350। तो पूछ रहा है इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है उसका योगफल क्या होगा। ठीक, तो तीन संख्याओं की बात चल रही है, क्या है योग 1350। तो हम क्या करेंगे 1350 में तीन से डिवाइड करेंगे, तीन से डिवाइड करेंगे थ्री बन जा, तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह। ठीक है, बात तीन संख्याओं की है तो ये बीच की संख्या निकल के आती है। कौन सी निकल के आती है, बीच की संख्या। अगर इसके बाद एक संख्या रही होगी, इससे पीछे एक संख्या रही होगी, ठीक है, तीन संख्याओं का योग है तो बीच की संख्या निकल के आती है अगर हम तीन से डिवाइड करेंगे। अगर बात की जाए इससे अगली संख्या क्या हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी 451, और इससे पीछे की संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 449। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी ये हुई और सबसे छोटी ये हुई, तो इसका योग क्या होगा। इन संख्याओं को दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 900 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 900। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या दे रखा है, 72, और पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तीन से विभाजित होने वाली, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, 72 को थ्री से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, थ्री से डिवाइड करेंगे, तीन दूनी छः, तीन चौक बारह, ये कौन सी संख्या निकल के आती है, बीच की संख्या निकल के आती है। कौन सी, बीच की संख्या निकल के आती है। ठीक है, तीन से विभाजित होने वाली संख्याओं में अंतर कितने का होता है, तीन का अंतर होता है। अगर बात की जाए बड़ी संख्या की, तो 24 में हम क्या करेंगे, तीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1 का क्यूब 2 का क्यूब -10 का क्यूब इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 3025, तो क्वेश्चन में पूछा गया है 4 + 32 + 108 + ... 4000 इसका योगफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे क्या दे रखा है, 4 + 32 + 108 + ... 4000। ठीक है, हमें क्या करना है, इससे चार कॉमन ले लेना है। चार कॉमन लेंगे तो 4 × 4 = 4, 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28। ठीक है, ... इधर क्या हो जाएगा आपका, 4 × 4, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, हम यहाँ से चार कॉमन ले चुके हैं, इसको हम कर सकते हैं 1 का क्यूब, 8 को कर सकते हैं 2 का क्यूब, और 27 को कर सकते हैं 3 का क्यूब + ... ये क्या हो जाएगा आपका, 10 का क्यूब। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, तो 4 × इसकी वैल्यू कितनी है, 3025। कितनी है, 3025। ठीक है, हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है, 4 × 5 = 20 होता है, हासिल 2, 4 × 2 = 8, और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और 4 × 3 = 12, कितना हो गया, 12100, कितना हुआ, 12100। तो ऑप्शन नंबर सी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। आज का अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 के क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हमें दे रखी है 3025। और क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या करना है हमें, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, क्या ले लेंगे, 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है 3025, कितनी है 3025, क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करनी है, 8 पंजे क्या होता है 40, 40 का जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 का पूरा आ जाएगा 20, और कितना होगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 कितना हो जाएगा 24,200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 16 है, दो संख्याएं हैं जिनका हमें योगफल क्या दे रखा है 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, तो कह रहे उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होता है उल्टा, मतलब उनके अपोजिट्स हैं उनका योग क्या होगा। ठीक है, हमें गिवन क्या है, दो संख्याओं का योग दे रखा है एक्स प्लस वाई, वो दे रखा है 16। ठीक है, उनका गुणनफल एक्स इंटू वाई दे रखा है हमें 55, हमें इसके व्युत्क्रम का योग निकालना है, क्या निकालना है व्युत्क्रम का योग। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना होता है इस क्वेश्चन में, क्या करना है x प्लस वाई को हम क्या करेंगे x इंटू वाई से क्या कर देंगे डिवाइड, इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करेंगे, 16 अपॉन क्या हो जाएगा इधर 55, अलग अलग ब्रिक कर लो इसे, x अपॉन 2y इधर क्या होगा y अपॉन x इंटू वाई, इधर क्या हो जाएगा आपका 16 अपॉन 55। ठीक है, x से यहाँ से डिवाइड हो रहा है, बाई से बाई डिवाइड हो रहा है, ये क्या बचा 1 अपॉन बाई प्लस ये क्या बचा 1 अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा 16/55, क्या बचा 16/55, तो इसके जो व्युत्क्रम का योग होगा वो होगा 16/55, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का योग हमें दे रखा है कितना 25 एवं उनका गुणनफल हमें क्या दे रखा है 144, तो कह रहा है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, क्या गिवन है हमें, दो संख्याओं का योग, मान लेंगे दो संख्याएं ए हैं तो ए प्लस बी हमें क्या दे रखा है 25। ठीक है, और इनका गुणनफल क्या दे रखा है ए इंटू बी दे रखा है हमें 144, क्या दे रखा है 144। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, हमें ये देखना है कि हमें 144 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे क्या हो जाए 25 आ जाए। ठीक है, तो हम इसके ऐसे फैक्टर कर लेंगे, क्या होता है 16 नेमा 144, अगर हम 16 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 और 9 क्या होता है 25 होता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई है। ठीक, हमें क्या बताना इनका अंतर क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या देखना है इस क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई करने पर तो 144 आ रहा हो, ऐड करने पर क्या आ रहा हो 25 आ रहा हो। ठीक है, तो हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, कह रहा है यदि वही संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे किसी संख्या को जब हम 280 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा क्या बचता है 115 बचता है, इसी संख्या को कितने से डिवाइड करने पर 35 से डिवाइड करेंगे तो कह रहा है शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या देखना है हमें,
280 को 35 से डिवाइड करेंगे, अगर 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। अगर ये वाली संख्या 35 से कट रही है तो जो शेषफल है पहला वाला इसको 35 से डिवाइड करेंगे, 35 थ्री जा होता है आपका 105, ठीक है, शेषफल कितना बचा 10, शेषफल कितना बचा 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन रहा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी, ठीक है। इसी प्रकार हम आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का कितने गुना है, 10 गुना है। जो विभाजक है वो भागफल का कितने गुना है, 10 गुना है, और कह रहा है शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 40 हो तो कह रहा है भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हमें भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे, ये तो देखो इधर होता है आपका भाजक, जिससे हम भाज कर भाग देते हैं, ये होता है भाज्य, और इधर होता है आपका भागफल। क्या होता है, भागफल, ठीक है, और अपॉन में क्या होता है, शेषफल, ये होगा आपका शेषफल, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए हमें गिवन क्या है, हमें दे रखा है शेषफल, शेषफल क्या दे रखा है, 40 गिवन है, कितना 40 गिवन है, ठीक। अब जो विभाजक है वो शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना है, कितने गुना है, 5 गुना, तो हम इसको 5 इंटू क्या लिख लेंगे, 40 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, 40 लिख लेंगे, 5 इंटू 40, ठीक है। ये शेषफल का जो विभाजक है वो कितने गुना है, 5 गुना है, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें 10 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आएगा 4, ये 10 से विभाज्य करोगे तो यहाँ पे 40 की जगह पे 4 आ जाएगा और इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि भाज्य ज्ञात कीजिए, भाज्य x निकालना, ठीक है। होता क्या, अगर हमें भाज्य निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड कर देंगे, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 चौक 20, 200, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हो जाएगा आपका 20 प्लस कितना हो रहा है 40, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 200 की, इससे 2 दूनी 4 होता है, और कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब प्लस कितना आई आपका 40, तो कितना हो जाएगा 4040, तो इसका जो आंसर रहा होगा वो रहा होगा 4040, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहा होगा, आंसर रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है, ये भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 3600, शेषफल क्या हो 3600, तो कह रहा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार और समझेंगे इसको, देखो ये तो भाज्य होता है आपका, ये होता है भागफल, क्या होता है, भागफल होता है, और इधर क्या होता है, शेषफल होता है, रिमाइंडर, ये होता है शेषफल, और जिससे भाग कर रहे हैं वो होता है भाजक। अगर हमें भाज्य निकालना है, क्या निकालना है, भाज्य, तो भाज्य इक्वल टू हो जाता है हमारा भाजक इंटू भागफल, क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, ये आपका होगा भाजक इंटू भागफल, और प्लस क्या होगा आपका इसमें, शेषफल, प्लस क्या होगा, शेषफल, ठीक है, ये होता है। इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शेषफल हमें दे रखा है 36, शेषफल क्या दे रखा है, 36, ठीक है। अब विभाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 36, कितना हो जाएगा, ये आपका 36 से 6 पंजे 30, 5 15 18, ये हो जाएगा आपका 180, ठीक। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो विभाजक है वो इसका कितने गुना है, ये 12 गुना है, तो हम क्या करेंगे, 12 से इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 5, 12 से 36 में डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा, 15,
हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, क्या निकालना है एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई कितने से करेंगे, इससे 5 × 15 होता है और प्लस क्या होगा ये आपका 36, ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करनी है, ये तो जीरो है ही, 15 × 8 = 120 का कितना हो जाएगा 20 का जीरो हो जाएगा 12, 15 × 15 और 12 होता है आपका 27, ठीक है, प्लस क्या आई है 36, जब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2736, कितना हो जाएगा 2736, 2736 ऑप्शन नंबर सी होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 1575, उनका भागफल दे रखा है हमें 9/7, तदनुसार संख्याओं का योगफल कितना है, क्या पूछा गया है कि संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है, भागफल का मतलब हुआ 9/7 दे रखा है, ठीक है, एक संख्या को हम मान लेंगे 9A और एक को 7A, ठीक है, तो इनका गुणनफल हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 9A × 7A, ये गिवन है हमें कितना 1575, ठीक है, अब ए की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या आएगा 1575 और इधर डिवाइड बाई 9×7, ठीक है, तो सबसे पहले 7 से काटने हैं इसको, 7 से काटेंगे, 7 × 7 होता है, 7 × 2 = 14, यहाँ पे कितना बचा एक बचा, यहाँ पे होगा 17, फिर 7 × 2 = 14, फिर यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, 7 × 5 = 35, ठीक है, अब 9 से काट लेंगे इसे, 9 × 9 होगा, 9 × 2 = 18 हो गया, यहाँ पर कितना बचा 4 बचा, 9 × 2 = 18 बचा कितना 4, 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 25, अगर वैल्यू ए की निकालेंगे तो √25 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है, तो बात की जाए ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 9 को 5 से मल्टीप्लाई हम करेंगे ये तो आपकी 45 हो जाएगी, 7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 35, पूछा क्या है दोनों का योग क्या होगा, दोनों को जोड़ दो 5 × 5 = 10 होता है, 4 × 4 = 8, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 80, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 80, ठीक है। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने पर जैसे 37 37 63 63 बनी चार अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होगी, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। कोई भी संख्या नंबर रिपीटेशन से बनती है 63 63, ठीक है, या फिर 37 37, तो ये वाली संख्या हमेशा क्या होती है, हमेशा ये वाली संख्या जब दो नंबर मतलब दो पेयर रिपीट होते हैं तो ये वाली संख्या हमेशा क्या होगी 101 से क्या होगी डिवाइड होगी। अगर तीन नंबर रिपीट होते हैं, कितने नंबर, तीन नंबर रिपीट होते हैं, जैसे मान लो 376 और 376, अगर तीन नंबर दो बार रिपीट होते हैं तो ये वाली संख्या हमेशा क्या होगी 1001 से डिवाइड हो जाएगी, कितने से डिवाइड होगी 1001 से, ये समझने वाली बात है, ठीक है, डिवाइड करके देखोगे आप तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर 1, 1 तथा 6 शेष रहता है, तो संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे संख्या क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि संख्या क्या आएगी निकल के, ठीक है, सबसे पहले किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर किससे कर रहे हैं 7 से, शेषफल हमारा क्या बच रहा है इधर 1 बच रहा है, इधर 1 बच रहा है, इधर क्या बच रहा है 6 बच रहा है, ठीक है, इधर कुछ नहीं होगा अपॉन में, तो क्या लिख लेंगे हम 1 लिख लेंगे, करना क्या होता है इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7 और प्लस ही ऐड करेंगे 7 × 7 और 6 आपका 13 हो जाएगा, ठीक है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये कितना होगा 13 × 3 = 39 और 1 = 40, ठीक है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्या होगा 4 × 2 = 80 और 1 = 81। अगर बात की जाए संख्या की तो संख्या हमारे पास कौन सी आ जाएगी 81। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम इसे 42 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, अगर हमारे पास संख्या
81 आई है, इसको अगर हम 42 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है, ठीक है। इसको जब हम इसको डिवाइड करेंगे 41 बन जाए 41, कितना बचेगा यहाँ पर 39 रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा 39। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्या है 156*942, ठीक है, ये संख्या क्या है 11 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे, देखो इसमें क्या है, हमें विषम टर्म को अलग करना है, सम को अलग करना है। सम पे देखो दूसरे डिजिट पे ये भी सम है, स्टार भी सम डिजिट पे है, और ये भी सम स्थान पे है, ठीक है। तो सम स्थान पर जितने भी नंबर होंगे उनको अलग जोड़ लेंगे हम, और विषम स्थान पे उनको अलग जोड़ लेंगे। तो सम स्थान पे कौन कौन सा, 5 है, प्लस स्टार हमें निकालना है, क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या है 4, इनका योग करेंगे, माइनस विषम स्थान पे क्या 1 है, 1 के बाद प्लस 6, और प्लस क्या है आपका 9 होगा, और क्या होगा 2 होगा, प्लस क्या होगा 9 होगा और प्लस का 2 होगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नियम ये कहता है कि सम स्थानों पर जो नंबर है उनका योग और विषम स्थान पर जो नंबर है इनका योग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य हो जाएगी। ये कितना हुआ आपका x प्लस 9 माइनस, ये कितना हुआ 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 9 18, कितना हो गया 18, इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। माइनस का 18 प्लस का 9, तो x माइनस 9 इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 9, x इक्वल टू 9। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5432 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा, क्या है 5432 स्टार, ठीक है, और इधर क्या है 7, ठीक है। जब कभी भी कोई भी संख्या 9 से विभाज्य होती है तो उसके अंकों का योग भी क्या होता है 9 से विभाज्य होता है, ठीक है। इसके अंकों को जोड़ेंगे हम, जोड़ेंगे यहाँ पे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, ठीक है 21 है। अब 21 में हम कितना देखो, इनका योग कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, सबका योग कितना आ जाएगा 21। अब 21 में हम कितना जोड़ दें कि वो क्या हो, 21 में कितना जोड़ दें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए 21 में, ठीक है, 9 3 27 होता है। अगर हम इसमें 6 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है, जो कि होगा 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है 3^25 प्लस 3^26 प्लस 3^27 ठीक है प्लस 3^28 निम्न में किस संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक है, क्या दे रखा है 3^ है यहां पर 25 प्लस 3^ है 26 प्लस 3^ है 27 और प्लस 3^ है 28। तो कह रहा है निम्न में किससे विभाज्य हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 3^25 को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ से 3^1 बचेगा प्लस यहाँ से 3^2 बचेगा प्लस यहाँ से 3^ क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक। ये क्या है 3^25 आ गया है इंटू 1 प्लस 3 प्लस ये कितना हुआ 3^9 प्लस ये कितना हुआ 3^9 = 27 ठीक है, कितना हो गया 27। इसको जोड़ेंगे ये कितना हुआ 27 30 ये 40 हो गया आपका 3^25 ये कितना है 25 3^25 है इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 40 ठीक है, ये कितना है 40। अब देखेंगे ऑप्शन,
ऑप्शन में ये किसी से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। 3 की पावर 1 बाहर ले लेंगे, 24 इधर आ जाएगा, 3 को एक अलग ले लिया, इधर क्या हो गया 40, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 24 इंटू ये क्या हो जाएगा 120। अब देखेंगे ऑप्शन में 120 किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है 30 से डिवाइड हो रहा है, ये कितने से डिवाइड हो रहा है 30 से, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक ढाई के अंक से 4 कम है। ठीक है, इकाई का अंक ढाई के अंक से कितना कम है, 4 कम है। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या देखना है, इकाई का अंक ढाई के अंक से 4 कम है, इसमें देखो क्या इकाई का अंक ढाई के अंक से 4 कम है, नहीं है, हटा देंगे ऑप्शन। इसमें देखेंगे, इस वाले में देखेंगे क्या इकाई का अंक ढाई के अंक से 4 कम है, हाँ बिल्कुल, इसमें इकाई का अंक है वो ढाई के अंक से कितना कम है, 4 कम है। ठीक, अब देखेंगे ये जो संख्या है 73 और इसके अंक को पलटने से जो संख्या बनेगी क्या बनेगी 37, तो इनको जोड़ के देखेंगे 7 और 3 10 होता है, 10 और 1 11 होता है, इनको जोड़ के देखेंगे, इनका अंकों का योग देखेंगे, इनके अंकों का क्या हुआ 110। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से करा जाए तो ये बहुत इजी वे में हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी प्रकार क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। ठीक है, अंकों का योग क्या दे रखा है हमें, 7 दे रखा है। कर यदि अंकों को पलट दिया जाए, यदि अंकों को क्या कह रहा जाए पलट दिया जाए, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या देखना है सबसे पहले कि उनके अंकों का योग कितना है, उनके अंकों का योग 7 है। ठीक है, और इसके अंकों को पलट कर अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगी, जो मूल संख्या की है कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से करते हैं, अगर इस ऑप्शन में देखेंगे इनके अंकों का योग क्या है, इनके अंकों का योग तो क्या दे रखा है हमें 34 दे रखा है। क्वेश्चन में क्या है, यदि अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को पलटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 43, और कह रहा है इसमें 3 जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे 3, तो कितना हमें मिलेगा 46। क्या ये मूल संख्या के 4 गुनी हो जाएगी, नहीं होगी, तो ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसमें देखेंगे आंसर में, ये देखो अंकों का योग तो 7 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो मूल, अब देखो इसको अंकों को पलटेंगे हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंकों पलटेंगे क्या आएगा 16, और 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 19 आएगा। क्या ये अंकों के योग मतलब अपनी संख्या के ये 4 गुनी हो रही है, नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। इसमें भी देखो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, कितना आ रहा है 25, ये भी इसमें भी अंकों का योग कितना है, देखो 7 है, इसमें अंकों का योग 7 है, तो इसको भी देखेंगे ऑप्शन को, कह रहा है कि इसके अंकों को पलटो, पहले कितना हो जाएगा, अंकों को पलटोगे 52 और इसमें 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 55। क्या ये संख्या मूल संख्या की 4 गुनी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, यहाँ से 16 है संख्या, 16 के अंकों, देखो इसके अंकों का योग क्या आ रहा है, अंकों का योग 7 आ रहा है, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 16 को अंकों को पलटोगे तो आपको आएगा 61 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64, जो कि मूल संख्या की कितने गुनी है, 16 चौक कितना होता है 64, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आज का, 24 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुने में जोड़ने पर हमें 146 मिले, तो पहला भाग बताना है। ठीक है, हमें देखो क्या 24 को डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 24 को, अगर एक भाग हमने x मान लिया तो दूसरा भाग हमारे पास क्या बचेगा 24 माइनस x बचेगा, क्या बचेगा 24 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या गया, पहले भाग का 7 गुना, तो हम इसमें 7 से गुणा कर लेंगे, और कह रहा है दूसरे भाग का 5 गुना, तो दूसरा भाग ये इसमें 5 से गुणा कर लेंगे, इनका योग हमें दे रखा है 146, और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पहला भाग क्या होगा, तो ये तो आपका हो गया 7x प्लस 24 पंजे कितना होता है 120, ये कितना हुआ माइनस का 5x। ठीक है, ये आपका चला 146, 7x में से अगर 5x कटेगा तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 2x, इधर क्या है 146,
और माइनस का क्या है 120, ठीक है। 2x इजकल टू यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, इधर क्या बचेगा आपका 4 में 2 गया 2 बचेगा, ठीक है। तो x इजकल टू निकालना है हमें, 26 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा 13, कितना आएगा x इजकल टू 13। तो पहली संख्या जो हमारी होने वाली है 13 होने वाली है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे आज, कह रहा है तीन संख्याओं का योगफल 132 है, जो तीन संख्याएं हैं उनका योगफल 132 है, और कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो जो पहली संख्या है दूसरी से दुगनी है, और तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई है, तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, हमें पूछा गया कि दूसरी संख्या क्या होगी। अब सबसे पहले समझेंगे, जो पहली संख्या है दूसरी की दुगनी है, अगर दूसरी संख्या एक्स है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, कितनी x हो जाएगी 2x हो जाएगी, और तीसरी संख्या पहले की एक तिहाई है, ठीक है। तो ये देखो 2x है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x डिवाइडेड बाई 3, ये कितनी है एक तिहाई, ठीक है। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है हमें, तो इधर एलसीएम ले लेंगे, तो इसको रेशियो को सही करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 6x हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 3x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 2x, ये क्या निकल के आएंगी संख्या आ गई, ठीक है। क्या निकल के आएंगी संख्या, देखा जाए तो x x कट रहा है, तो संख्याओं में जो रेशो निकल के आया वो 6:3:2 निकल के आया। इनका योग देखेंगे क्या है, इनका योग 6 और 3 9 और 2 11 हो गया, कितना हो गया 11। अब इनका योग जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 132, 11 इसको इससे डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 11 दूनी 22, ये कितने गुना है 12 गुना है इसका, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या हमारे पास ये है, इसकी मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 12 कितना होता है 36 होता है, कितना होता है 36। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, यदि कुल सिर 90 है तथा 224 पैर है, तो कह रहे कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी, कबूतरों की कुल संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, कुल सिर कितने हैं, कुल सिर दे रखा है क्वेश्चन में 90, ठीक है। पैर कितने हैं, पैर क्वेश्चन में कह रहा है 224, कितने हैं 224, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या दे रखा है, चूहे हैं, क्या है चूहे, और क्या है कबूतर है, कबूतर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको मान लेंगे कि ये सभी क्या है चूहे हैं, तो पैर बनाएंगे, एक चूहे में कितने पैर होते हैं 4 होते हैं, तो 9 चौक 36, तो चूहे के जो पैर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 360। बात की जाए कबूतर, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि सभी ये क्या है कबूतर हैं, तो कितने पैर हो जाएंगे, एक कबूतर 2 पैर होते हैं, 9 × 2 = 18, कितने हो जाएंगे 180। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें गिवेन है पैर वो कितने हैं 200, कितने कितने हैं 24, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एलिगेशन लगाना है, क्या लगाना है एलिगेशन, एलिगेशन में क्या होता है बड़े में से छोटा घटाया जाता है, 224 में से 180 घटाएंगे इधर, तो कितना बचेगा 4 में 0 गया 4 बचा, 12 में 60 गया 4 बचा, इधर बचा 44, ठीक है। इधर क्या है 360 में से इसको घटा देंगे 10 में से 4 गया 6 बचा आपका, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3 बचा, इधर कितना बचा 3 में से ये बचा 136। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे, 4 से कट रहा है 4 एकम 4 4 एकम 4, इधर कट रहा है 4 3 12 4 4 16, ठीक है। ये क्या होती है संख्या निकल के आती है, ये हमेशा संख्या निकल के आती है रेशो में, ठीक है। ये तो आपके क्या हो गए, ये चूहे हो गए 11 रेशो में, और कबूतर कितने हो गए 34 हो गए, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 1 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, जो कि वैल्यू कितनी की बना है यहाँ पे हमें 90 की बने, कितने गुना है इसका 45 2 90 होता है। पूछा क्या है क्वेश्चन में कबूतर क्या है, तो कबूतर ये इसका रेशो 34 है, तो इसको दोगुना करेंगे 34 2 कितना हो जाता है 68, कितना हो जाता है 68, तो इसका आंसर हो जाएगा 68। तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी 68, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, मुर्गियां गाय, इनके पैरों की संख्या क्या है 140 और मस्तकों की संख्या क्या है 100 मस्तकों की संख्या है 48, कितनी है 48, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, जो सिर हैं इनके
सिर कितने हैं? 48 है, ठीक है। सिर कितने हैं? 48 है। और पैर कितने हैं? बात की जाए पैर की तो पैर है इनके 140। अब क्वेश्चन में कह रहा है मुर्गियों की संख्या क्या है, हम क्या इसमें निकालेंगे? मुर्गियों की संख्या निकालेंगे। मुर्गियों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेंगे क्या क्या है, मुर्गियां हैं और गाय हैं, ठीक है। मुर्गियां हैं और क्या है, गाय, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम समझ लेंगे कि ये सभी क्या हैं, सभी क्या हैं, ये मुर्गियां हैं। तो एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं? दो। तो हम क्या करेंगे, यहां से दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके क्या निकल के आ जाएंगे, हमारे पास पैर निकल के आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 48 दूनी क्या होता है? 96, ठीक है। तो पैर कितने बन जाएंगे यहाँ पर मुर्गियों के? 96। अब बात की जाए गाय, क्या है? गाय है यहाँ पर, क्या है? गाय। इसको थोड़ा सा सही करेंगे, गाय है, ठीक है। तो अब गाय है तो मस्तक किसने है? 48, ठीक है। हमें क्या करना है, अब एक गाय के कितने पैर होते हैं? एक गाय के पैर होते हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देनी है? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 48 में, कितने से मल्टीप्लाई करनी है? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो गाय के पैर पता चल जाएंगे, 4 8 32 का 2 होता है, हासिल 3, 4 6 16 और 3 19, कितना हो जाएगा? 192, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो पैर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 140, कितने दे रखे हैं? 140। हमें क्या लगाना है, एलिगेशन बड़े में छोटा घटाना है। यहाँ यहाँ देखो क्या होगा, 9 में से 0 गया, 9 बचा, यहाँ 9 में से आपका 4 गया, 5 बचा, ठीक है। इधर इधर क्या बचेगा, इधर 140 में से 96 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया आपका, 4 बचा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 3, 13 में से 9 गया, 4 बचा, ठीक है। अरे हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तभी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे बचेगा आपका 52, क्या बचेगा? 52, ठीक है। अब 4 से डिवाइड हो रहा होगी, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, एक बचा, 4 की 12, ये आपका 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये संख्या निकल जाएगी। टोटल कितने हो गए आपके, ये 3 और 1 4, इधर कितने हो गए? 2 24। अब 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 48 चल रहा है, कितने गुना है? 2 गुना। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा गया मुर्गियों की संख्या, मुर्गियाँ ये हैं, इसको 2 गुना कर लोगे तो 13 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 26, कितना हो जाएगा? 26। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ दिया जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या है? क्या पूछ रहा है? शेषफल, किसी संख्या को 2 से गुणा करी जाती है, कोई संख्या x है, इसमें 2 से गुणा करके प्लस 16 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। कितना जोड़ दिया जाता है? 16। अब कह रहा है प्राप्त योगफल में 2 से विभाजित किया जाता है, कितने से विभाजित किया जाता है? 2 से, ठीक। अब इससे प्राप्त संख्या मूल संख्या घटा दी जाती है, मूल संख्या क्या है? x को घटा देंगे। हमें क्या करना है, एलसीएम लेना, ये कितना हो जाएगा आपका? 2x प्लस 16 और माइनस का क्या हो जाएगा? 2x और डिवाइडेड बाई क्या है? 2। 2x और 2x से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें? 8 प्राप्त होगा, जो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल को 25 जोड़ दिया गया है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल से मूल संख्या घटाया जाता है, तो शेषफल बताना है। ठीक है, तो संख्या का मान लेंगे हम x मान लेंगे, x में कितने से गुणा करनी है, 5 से, 5 से गुणा करने के बाद हमें क्या जोड़ना है इसमें 25, और इसको डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है, और मूल संख्या x घटा दी जाएगी, क्या करना है एलसीएम लेना है, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस ये 25, एलसीएम लोगे तो ये माइनस का 5x और डिवाइड बाई क्या है आपका 5, तो 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 5 तो 5 बन जाए 5 5 जा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सी ऑप्शन हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क्या बताना है, क्वेश्चन में इकाई का स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, हम मैं बता चुका हूँ जब भी इकाई के अंक पे जीरो हो तो जीरो का इकाई का अंक जीरो रहता है, इधर एक है तो एक के इकाई का अंक एक रहता है। ठीक है, इधर क्या है, दो, दो है इकाई का अंक। ठीक है, अगर दो है तो इसमें अगर हम चार से डिवाइड करेंगे, इसकी पावर में चार से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा दो ही रहेगा, तो दो की पावर क्या आएगा, दो आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर तीन है, अब अगर इसकी पावर में हम चार से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा, दो रहेगा, तो ये आपका हो गया जीरो, ये क्या हो गया वन, ये कितना हुआ, दो दूनी चार, और ये कितना हुआ, तीन तिया नौ, जोड़ देंगे, नौ चार तेरह और ये चौदह, क्या होगा, चौदह का एक यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, चार, तो यूनिट डिजिट इसका होने वाला है चार, इस वाले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, चार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी क्या बताना है हमें, यूनिट डिजिट बताना, इकाई अंक बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा नोट करेंगे, क्या है 251, इसकी पावर क्या है 98, प्लस 21, इसकी पावर क्या है 29, माइनस 106, इसकी पावर क्या है 100, प्लस 705, इसकी पावर क्या है 35, माइनस 16, इसकी पावर क्या है 4, और प्लस 259। ठीक है, यहाँ पर देखो इकाई के अंक पे बन है तो पावर कितनी भी हो जाए इकाई का अंक बन रहता है, एक है तो ये भी एक रहेगा, छः है पावर कितनी भी हो जाए तो इकाई का अंक क्या रहता है, छः ही रहता है। ठीक है, इकाई का अंक क्या रहता है, छः रहता है। यहाँ पर एक का एक रहेगा, ये माइनस का 6 रहेगा, प्लस ये क्या है 5 है, पावर कितनी भी हो 5 रहेगा इकाई का अंक, माइनस 6 है तो 6 का 6 रहेगा, प्लस यहाँ पे 9 की पावर बने तो 9 का 9 रहेगा, हम क्या करेंगे प्लस वालों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे देखो 9 और 5 14 एक 15 और एक 16, ये कितना हो गया 16 हो गया, ये माइनस का 6 और माइनस का 6 ये कितना हो गया माइनस का 12। ठीक है, 16 में से 12 गया कितना बचा 4, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, क्या पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, 25 की पावर कितना है 10 है, 24 की पावर क्या है 20 है, और 26 की पावर है 25 है, हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, दो है, तीन है, पांच है, सात है, ये क्या होते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे कन्वर्ट, 25 की पावर कितना हमें दे रखा है क्वेश्चन में, 25 की पावर 10 दे रखा है, इंटू 24 की पावर क्या दे रखा है 20 दे रखा है, इंटू 26 की पावर क्या दे रखा है 25 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको देखो क्या लिखेंगे, इसको हम 5 का स्क्वायर ले सकते हैं, और इसकी पावर कितना है 10, इंटू इसको क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3 8 होता है, और इंटू 3 8 की 24 हो गया, ये इसकी पावर क्या है 20, इधर इसको 2 गुणा 13, इसकी पावर हम क्या ले सकते हैं 25। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में कन्वर्ट कराया मैंने इसे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 की पावर, ये कितना हो जाएगा 5 की पावर, ये हो जाएगा 20 इंटू, ये देखो यहाँ पे 2 की पावर 20 तीन 60 हो जाएगा, इधर 3 की पावर ये 20 हो जाएगा इंटू, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 25, 2 की पावर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये यहाँ से
2 की पावर 25 हो जाएगा, और इधर 13 की पावर कितना हो जाएगा 25। हमें क्या बताना है अब कुल आभार गुणनखंड कितने होंगे। तो देखो ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है, सिर्फ क्या करना है इनकी पावर को ऐड करना है। 25 और 25 50 और 20 70, 70 में अगर हम जोड़ेंगे 60 तो 130 और 20 150, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 150। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होने वाली है 150। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 50 से 100 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या बतानी है। 50 से 100 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याएं बतानी कितनी है, उनकी संख्याओं की संख्या बतानी है। ठीक है, तो 50 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या आती है वो आती है 8। देखो 7 × 7 = 49 होता है, वो 50 से कम है, फिर आता है 8 × 8 = 64। एक तो आपकी आ जाती है 8 का स्क्वायर, क्या होगी 8 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 9 का स्क्वायर डॉट सेट है। ठीक है, अब बात की जाए 1000 के मध्य, 1000 से पहले कौन सी संख्या आती है पूर्ण वर्ग, 1000 से पहले आपकी आती है आपकी 31 का स्क्वायर होता है कितना 961, 32 का होता है 1024, तो हमारे पास आती है 31। कितनी आती है 31, कितनी आती है 31, 31 आती है। ठीक है, 31 आती है, तो देखा जाए मतलब 31 होती है लास्ट संख्या 961। इसका जो स्क्वायर होगा जो 64 होगा, और इसका स्क्वायर होगा वो होगा 961 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा 961, जो क्या है 1000 से कम है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये संख्याएं कितनी होंगी ऐसी, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। देखो 1 से 31 तक की बात हो रही है, तो हमें देखो 31 अगर 1 से स्टार्ट होती तो 31 हो जाती, कितनी हो जाती 31, लेकिन स्टार्टिंग की 7 संख्याओं को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और प्लस 1 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 31, ये देखो माइनस का 6 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस का 6 अगर इसमें से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 25। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी 24 होंगी। ये वन यहाँ पर ऐड नहीं करना है इसमें, सिर्फ 7 माइनस करनी है संख्या, क्या करनी है 7 माइनस करनी है इसमें, 7 जब माइनस करेंगे हम इसमें से 1 से 7 का स्क्वायर ही माइनस करना होता है। ठीक है, जब 7 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास 24 संख्याएं ऐसी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 तथा 2 की पावर 200 में, सॉरी 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, क्या है 2 की पावर है आपकी 250, कॉमा 3 की पावर है 150, कॉमा 5 की पावर है 100, कॉमा 4 की पावर है 200। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना होता है पावर को इक्वल करना होता है। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, देखो 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितना ले सकते हैं 50। देखो मल्टीप्लाई करोगे 5 × 5 = 25, 250 ही आएगा। ठीक है, अब बात की जाए इसकी, 3 को हम कर सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी 50, देखो 150 ही आ रहा होगा। 100 को हम कर सकते हैं 5 को ले सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितना 50। इसी प्रकार 4 को हम कर सकते हैं 4 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितना 50। देखो ये 4 × 5 = 20, 200 होता है। ठीक है, अब पावर को हमने बराबर करा, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32, 32 की पावर 50 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 27, इसकी पावर 50 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। कॉमा ये 4 × 16, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो जिसका बेस सबसे कम होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, क्या होगी 25 की पावर 50। 25 की पावर 50 का मतलब क्या हुआ आपका, ये आपको
5 की पावर 100, तो 5 की पावर 100 होगी, वो इसकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 50 से दो भागों में विभाजित करें, मतलब 50 को दो भाग, 50 यहाँ पे को होगा, को दो भागों में विभाजित करें, उनके व्युत्क्रम का योग क्या हो, 112 हो। मतलब हमें यहाँ से ऐसी दो संख्याएं ले लेनी है कि अगर उनके व्युत्क्रम को जोड़ेंगे तो क्या है, 1/12। तो ऑप्शन से करके देखेंगे क्वेश्चन को, इससे करके देंगे ऑप्शन से, तो इनका व्युत्क्रम जोड़ेंगे क्या 1/112 आ जाएगा, नहीं आएगा इससे, इससे करके देखेंगे इससे भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर सी से देखेंगे हम क्या है, 1/20, ठीक है, और प्लस कितना, 1/30। इसका एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 60 इधर जाएगा, 20 से डिवाइड होगा 3, 60 इधर जाएगा, 30 से डिवाइड होगा 2, क्या आएगा आपका 5/60। 5/60 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको 5×5, 5×5, 5×10 क्या मिलेगा हमें, 1/12। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ही पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्या है, 6 की पावर है 333 इंटू 7 की पावर है 222 इंटू 8 की पावर है 8 की पावर क्या दे रखा है, 111। ठीक है, इसको 6 को हम क्या लिख लेंगे, 2×3 इसकी होल पावर 333, इसको 7 की पावर 222, इसको 2 का क्या लिख लेंगे, क्यूब लिख लेंगे, और इसकी पावर 111। ठीक, अब देखो इसको क्या ले सकते हैं, अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, 2 की पावर 333 इसको 3 की पावर 333 333 और 7 की पावर क्या है आपकी 222 दे रखी है, इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, कुल अभाज्य गुणनखंड क्या, कुछ नहीं करना है, पावर को क्या करना होता है, इसमें ऐड करना होता है, ये 7 की पावर आपकी 222 है, कितनी है 222, इस 7 की पावर है 222। ठीक है, हमें देखो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देना है, ये कितना हो जाएगा आपका, सबको ऐड करेंगे ये आपका हो जाएगा 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 333 की, तो आपका मिलेगा 999 और इसमें 222 ऐड करना है, क्या ऐड करना है 222, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 9 और 2 11 1 12, 9 और 2 11 1 12 कितना होगा 1221। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने क्या था, नंबर सिस्टम में जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन रहे थे, जो एग्जाम में आपका जो भी यूपी प्लस का एग्जाम है, आने वाला एग्जाम्स में आने की संभावना है, वो क्वेश्चंस कराए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले चैप्टर्स को लेके कल 8 बजे इसी चैनल पर उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए, ठीक है, गुड नाइट।